यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि यूपी विधानसभा के द्वारा जिन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है उनके दायित्वों का निर्धारण भी किया गया था। लखनऊ में सहारा समय संवाददाता रजत सिन्हा से खास बातचीत में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि दूसरी पार्टियों से आने वाले 16 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था जिनमें से 10 लोगों ने जीत हासिल की है। वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अब जब एक बार फिर प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, वाजपेयी जी पहला सवाल, एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी आपको ज्वाइनिंग कमेटी की, क्या रिजल्ट जिन लोगों ने ज्वाइन किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला और क्या रिजल्ट आया? ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन था मैं, मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जी थे और सिंह जी थे, उन्होंने मिलकर जो काम किया यहाँ पर उसमें हमने ये इतनी वोट आ रहे थे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे क्या प्लस कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उस राजनीतिक कद के लोग, उस जातिगत प्रभावी लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और कुछ जो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में रहते हैं जिनका जिनका जहाँ उपयोग था, किसी वर्ग बिरादरी में काम करते हैं लेकिन राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हैं, हमने उन सबको ढूंढ ढूंढ कर उनसे हमने समर्थन पत्र लिया, उनको शामिल किया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से शामिल किया और शामिल करने के बाद जो परिणाम आया वो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं अभी कि हम पिछली बार कितनी सीटें हारे थे, कितने वोट के अंतर से हारे थे, उन जिलों में हमने किन किन को ज्वाइन कराया और वर्तमान में क्या उसका रिजल्ट आया, तब अंदाजा लग जाएगा कि हमारे मोटा मोटा, लेकिन रिजल्ट अब आ चुका है कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनमें से कितने लोग जीत करके आए, क्या करे हुए प्रमुख लोगों में से 16 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया गया था जिसमें से 10 जीत कर आ गए हैं और 6 को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में सफलता नहीं मिल पाई है। एक सवाल और है कि तमाम कई सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार भी गई जो पिछली बार जीती थी, उसकी समीक्षा कैसे होगी? अब इस जिनको समीक्षा करनी वो तय करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी जब जो ये काम लगभग खत्म हो चुका है, किस तरीके से अब आगे आप काम करेंगे, क्या ये सारी समीक्षा कब तक पूरी कर लेंगे? तो अपने उसका ज्वाइनिंग की कमेटी का डॉक्यूमेंटेशन कर चुका और डॉक्यूमेंटेशन की स्पायरल किताब बन गई और मैं उस किताब को संबंधित लोगों तक अपने आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय बी एल संतोष जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय राधामोहन सिंह जी, 6 लोग वहाँ, 7वें आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह, आदरणीय सुनील बंसल जी, 8 लोगों को किताब पहुँचाने के बाद नमस्कार करूँगा और अपने घर को प्रस्थान करूँगा, फिर पार्टी कोई कार्यकर्ता का आदेश करेगी काम करूँगा अन्यथा घर जाऊँगा। योगी सरकार का एक बार फिर गठन होने जा रहा है, क्या उम्मीद है आपको, क्या अपेक्षा है, प्रदेश में कोई जिम्मेदारी? नहीं, मैंने कहा ना अपने बारे में दो बातें अगर राजनीतिक क्षेत्र के लोग समझ लें तो जीवन में कभी मात नहीं खा सकते और कष्ट नहीं। एक तो अपना आकलन स्वयं मत करो और एक अपने बारे में निर्णय स्वयं मत करो। आकलन और निर्णय का अधिकार अपने से एक स्टेप ऊपर के स्तर को दे दो, यानी पार्टी को दे दो राजनीतिक क्षेत्र में, और पार्टी माँ है, माँ कभी कुमाता नहीं होती, बेटा तो कपूत होता, माँ कुमाता नहीं होती, उसको ये निर्णय करने का अधिकार दे दो और वो जो निर्णय करे उसे स्वीकार कर लो। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है कि जो ज्वाइनिंग हुई चुनाव के दौरान उनसे 16 लोगों में से 10 लोग दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं और 6 लोग जो चुनाव हारे हैं उस बात की भी समीक्षा हो रही कि आखिर वो चुनाव क्यों हारे। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय और सहयोगी आलोक गुप्ता के साथ रजत सिन्हा।